वेलकम टू टेस्टी पुडिंग। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे कान्हा के प्रसंग की प्रसाद की थाली। यदि कान्हा के प्रसाद की थाली आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम बनाएंगे कान्हा के लिए सबसे पहले माखन। इसके लिए हम लेंगे 3 चम्मच मलाई, 2 चम्मच। इसे चम्मच, बिस्कर या मथानी किसी से भी फेंट सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आइस और इसे फिर से फेंटेंगे। देखिए हमारी मलाई में से दूध अलग हो गया है और माखन अलग हो गया है। हम आपको चम्मच से भी बताते हैं। देखिए माखन निकल आया है। अब हम इसको छान लेते हैं। देखिए हमने माखन को छान लिया है। कान्हा के लिए माखन बनके तैयार है। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और बड़े चम्मच से हमने 2 चम्मच घी डाला है। अब हम कान्हा के लिए पंजीरी बनाएंगे और उसमें डालेंगे 1 कटोरी आटा। अब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूंजेंगे। देखिए जैसे ही हमने इसको भूंजा है इसका कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा और भूंजेंगे। देखिए अब और अच्छा कलर हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम फिर से गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। अब हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट में हमने मखाने, किशमिश, काजू, चिरौंजी और बादाम लिए हैं। सबसे पहले हम मखाने फ्राई करेंगे। मखाने फ्राई हो गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें फिर से डाल देंगे 2 चम्मच घी और इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। और हमने फ्लेम लो ही रखी है। देखिए हमारी ड्राई फ्रूट भी फ्राई हो चुके हैं, हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम इसी घी में डालेंगे कटा हुआ नारियल। फ्लेम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे खसखस। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमारा घी बहुत गर्म है और खसखस बहुत जल्दी से भुन जाते हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें डालेंगे गोंद। गोंद भी हमारी चटक गई है, हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हमारी पंजीरी भी ठंडी हो गई है, हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी का भूरा। इसे भी मिक्स कर देंगे।
अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, कान्हा के लिए पंजीरी बनके भी तैयार है। गुड़ को हमने पहले ही बारीक कर लिया था, अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट, इसे भी मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच सौंठ, एक चम्मच घी, इसे भी मिक्स कर देंगे। हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे, हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारा लड्डू भी कितने अच्छे से बन रहा है। देखिए एक लड्डू बनके तैयार है, इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए दूसरा लड्डू भी बनके तैयार है। कान्हा के लिए लड्डू बनके तैयार हैं। अब हम बनाएंगे चरणामृत। इसमें डालेंगे एक कटोरी दूध, एक कटोरी दही, थोड़ा सा गंगा जल, शहद, तीन चम्मच चीनी, एक चम्मच घी, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट, और हमने पांच प्रकार के ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसे भी मिक्स कर देंगे। देखिए चरणामृत बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे अठवाई। इसके लिए हमने आधा कटोरी आटा लिया है, और हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, बिना नमक के ही आटा लगाएंगे। देखिए हमारा आटा लग गया है। अब हम इसकी लोई बनाते हैं। जब तक हम लोई बना रहे हैं फ्रेंड्स, तब तक आप हमारी इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए। और हमें इसकी छोटी छोटी लोई ही बनाना है। देखिए इतनी छोटी लोई बनाना है। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा आटा और इसे बेलेंगे। देखिए हमने अठवाई को बेल लिया है। देखिए हमारी अठवाई भी बेल गई हैं। अब हम फिर से गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। अब हम इसमें डाल देंगे अठवाई। दूसरी भी डाल देंगे। हमने इसको पलट भी दिया है। देखिए हमारी अठवाई का दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है। हम इनको निकाल लेते हैं। हमारी अठवाई बनके भी तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पर कान्हा के पसंद की प्रसाद की थाली बनके तैयार है। हमने माखन में मिश्री भी डाल दी है, और सभी में तुलसी पत्र भी डाल दिया है। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? यदि कान्हा के प्रसाद की रेसिपी आपको पसंद आती है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।